आज का ये कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से सेक्टर 46 में जो हमारी ब्रांच है उसकी तरफ से गार्डियन कॉलोनी सोसाइटी के बेसमेंट हॉल में रखा गया है, जिसमें लगभग 300 लोगों ने आकर पार्टिसिपेशन किया। राखी जो 19 अगस्त को आ रहा है और ये राखी का त्यौहार हम सबको मैसेज दे रहा है कि बहन भाई की राखी और सुरक्षा की बात के साथ साथ हम अपनी स्वयं की सुरक्षा करें, क्योंकि आज हम अपने आप से ही सुरक्षित नहीं है। अपने आप की सुरक्षा करने के लिए हमें कोई मेथड अपनाना होगा। इसका मतलब हम खुद सुरक्षित क्यों नहीं है, हमेशा मन बेचैन है, मन में एक डर है, कुछ अनहोनी की एक अंदर भावना आती रहती है। तो इस इनसिक्योर फीलिंग्स को खत्म करने का मैसेज ही देकर आई है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये राखी कि अपने आप से राखी बांधकर दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि आई एम इन द बेस्ट, आई एम इन फाइन, आई एम हैप्पी। खुद अच्छे थॉट्स करके खुद को मजबूत बनाए, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करें, छोटी छोटी बातों पे घबराए नहीं। बातें तो जीवन में आती है और आती रहेंगी। जब हम छोटे थे हर छोटी बात को हम इजीली फेस कर लेते थे, हमारी कम्युनिटी फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग थी। बड़े हुए कम्युनिटी कम हो गई तो हर छोटी छोटी बात को फेस करना मुश्किल हो गया। तो राखी कह रही है अपनी इनर पावर को बढ़ाकर जीवन में सहज सुख शांति का अनुभव कीजिए। तो जीवन में हमने देखा है कि हर घर हर परिवार में हर एक व्यक्ति चाहता तो सुख है शांति है, लेकिन बदले में मिलती है अशांति दुख स्ट्रेस। जॉब करने जाता है खुशी के लिए और पाता है दुख वहीं से, अशांति वहीं से, स्ट्रेस वहीं से। उसका कारण क्या है कि जो चाहता है वो कर नहीं पा रहा, शक्ति कम। तो आज का हमारा विषय यही था, रिक्लेमिंग योर इनर पावर। शक्ति और कहीं नहीं है, शक्ति हमारे भीतर ही है और हम इसी संदेश को जनजन तक पहुंचाना चाहते हैं, हर घर तक, सोसाइटी तक, हर कॉर्पोरेट तक, हर बिजनेस पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं कि शक्ति हमारे अंदर ही है। जब समस्या हमारे सामने आती है तब भी हम सुख शांति में रह सकते हैं, बशर्ते सहन शक्ति हो, संभालने की शक्ति हो। वो नहीं होने के कारण हम गुस्से में आ जाते हैं, हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं और पाया ये जाता है कि अपनों से ही दूर चले जाते हैं, समस्या को और बढ़ा लेते हैं और फंस जाते हैं अपने उस भंवर में कि क्या करें। करने तो गए थे रिश्तों को और सुंदर बनाने, गए थे रिश्तों को और सुंदर और मधुर, और फंस गए उस रिश्तों के ही जाल में और उस दुख के जाल में। तो आज हम यही संदेश सबको देना चाहते हैं कि दुख से जीवन जीना बंद कर दे, अशांति में रहना बंद कर दे, मेडिटेशन के द्वारा अपने आंतरिक शक्तियों को बढ़ाए, जागरूक करे और इन शक्तियों को यूज करे जीवन में। क्रोध को ना यूज करे, सहन शक्ति को यूज करे, समाने की शक्ति को यूज करे। ये शक्तियाँ हमारे अंदर है, इनको जगाने की आवश्यकता है। 10 मिनट मेडिटेशन केवल और केवल और पाइए सारे दिन की शांति। हम इतना ही कहेंगे, एक बार प्रयोग करके देखें, एक महीना प्रयोग करके देखें। थैंक यू।